तब तक राष्ट्रीय संसद संघ का काम चलता रहेगा, अनवरत रूप से चलता रहेगा। इसलिए संघ की कार्य पद्धति में आज के दिन को मनाने की परंपरा है। आज का दिन क्यों खास है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की थी और आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आपने और हमने विगत कुछ महीनों पहले भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बने उसके लिए धन संग्रह किया था। जैसे मैंने प्रारंभ में ही उस बात का जिक्र किया, लेकिन अभी स्थिति पलट गई और ऐसी स्थिति पलटी है कि जोधपुर जैसे महानगर में देने की होड़ जैसे लग गई हो। जब प्रारंभ में एक बैठक हुई तो प्रांत प्रधानाधिकारी को पूछा गया कि आपके प्रांत का कितना समर्पण निधि होगी, तो उन्होंने कहा हो सकता है कि पहले 5 करोड़ इकट्ठा किया था प्रताप गौरव के लिए, तो अब की बार 10-11 करोड़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा राजस्थान जो क्षेत्र है, पश्चिमी राजस्थान मारवाड़ का जो क्षेत्र है, या तो वीर बांगुरों ने कितना पराक्रम किया है, तो पराक्रम के धनी हो आप, इसलिए 5-10 करोड़ से काम थोड़े चलने वाला है। तो उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए। उन्होंने कहा 100 करोड़ करने पड़ेंगे। तो एक तरह से हक्के बक्के से रह गए, 100 करोड़ करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, भगवान का कार्य है, भगवान श्री राम की इच्छा यदि 100 करोड़ करने की है तो 100 करोड़ भी कर देंगे। यात्रा चलती गई चलती गई चलती गई, 100 करोड़ भी हो गया, 125 भी हो गया, 150 भी हो गया, 225 भी हो गया, 225 करोड़ आकर के और गाड़ी रुकी। पूरे राजस्थान क्षेत्र का बात करते हैं तो 550 करोड़ इकट्ठा करके भगवान श्री राम के प्रति अपनी कृतज्ञता। समय का भी समय हमने दिया, कार्यकर्ता महीने भर तक लगे, लेकिन जनता ने अपनी गाड़ी कमाई की और कैसे कैसे दिए। एक घर में गए, एक घर में 4 मेंबर थे, उन्होंने कहा हम दे तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे 4 10-10 रुपए के कूपन हमको दे दो। तो उन्होंने कहा हमको 5 कूपन दे दो। तो कार्यकर्ता ने पूछा 5 क्यों, आपके घर में तो मेंबर 4 ही हो। तो उन्होंने कहा एक हमारी बकरी जो है उसके नाम से भी दो। आप और हम कल्पना कर सकते हैं। और एक तो जोधपुर महानगर की घटना है, एक माता जी को लगा कि भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, मेरे मन का भी संकल्प है, मेरे जितने पहने हुए गहने हैं वो मैं सभी भगवान राम की सेवा में दे दूंगी। थोड़े दिनों बाद में उनके 100 वर्ष पूरे हो गए, वो स्वर्ग लोक चली गई, लेकिन ये बात उनके पति ने सुनी हुई थी। अभी 2-3 दिन के बाद में ही संघ कार्यालय फोन आया कि आप आइए। उन्होंने कहा क्या बात है? तो उन्होंने सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने कहा 12 दिन तो व्यतीत होने दो, उसके बाद आपके घर हम लेने आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, 12 दिन की क्या बात है, हम तो शुभ कार्य को पहले ही करेंगे। कार्यकर्ता प्रांत कार्य व प्रांत प्रचारक वहां गए उस समय के, और जाकर के वो जो गहने सोना वगैरह था 5.25 लाख की राशि, उसको सोनी जी के वहां बेच करके 5.25 के गहने तो लेने नहीं थे, खाते में वो जमा कराई। आप और हम सब कल्पना कर सकते हैं ऐसे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। थोड़े दिनों बाद में सारा सब कुछ हो जाएगा, आप सब सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते भी हो। विश्व का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, पूरे संपूर्ण विश्व का, जैसे यूनिटी ऑफ स्टेचू ऑफ यूनिटी बना है सरदार पटेल का जो स्टेचू बना है, वैसा का वैसा उससे भी ज्यादा विश्व के पटल पर अंकित होने वाला ऐसे भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। उनका राज्याभिषेक का भी दिन है और जिस प्रांगण में हम बैठे हैं, माता मातेश्वरी दुर्गा मां, जिनके नवरात्र, जिसको इन्हीं को बड़े नवरात्र कहते हैं, ऐसे नवरात्र प्रारंभ का आज का दिन भी है। सिखों के गुरु द्वितीय गुरु अंगद देव जी के, उनका भी जन्म है। और 2 महापुरुष जो है इस धरती पर हुए, जिन्होंने नागपुर की धरती से अपने सोचा हुआ काम सब करके दिखाया, और जो एक तरह से धारणा बनी हुई थी कि घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ऐसी कहावत चल पड़ती है ना, यानी मैं जिस जन्म स्थान पर मेरा जन्म हुआ है उस स्थान पर मैं ज्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मानते नहीं लोग कौन है ये तो